पहले केस बनाओ, फिर जजमेंट आए, फिर अपन न रखो। जिसको जज छोड़ देता है तो उसको जेल में क्यों बंद रखना। हमने देखा है कई साल 20-20, 30-30 साल के बाद लोग कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लेकिन तब तक सरकार उनको जेलों में बरी रखती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल पर कहा कि जिसे जज छोड़ देता है उसे जेल में क्यों रखना है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने आगे क्या कुछ कहा, देखे वीडियो। होने चाहिए ये केसेस, जो इस तरह के केसेस हो, चाहे इंजीनियर रशीद, उनको भी पूरे इंजीनियर रशीद को भी पूरी तरह से मिलने चाहिए थी बेल। ये इंटीरियम बेल क्या है, 5 साल तक अगर उसको आप केस नहीं बना पाए तो उसका मतलब है कुछ नहीं। पहले केस बनाओ, फिर जजमेंट आए, फिर अपन न रखो। जिसको जज छोड़ देता है तो उसको जेल में क्यों बंद रखना। हमने देखा है कई साल 20-20, 30-30 साल के बाद लोग कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लेकिन तब तक सरकार उनको जेलों में बरी रखती है। तो इस तरह से कोई भी सियासतदान हो या गैर सियासतदान भी हो, जब तक आखिरी अदालत उसे सजा नहीं देती है तब तक जेल भर के रखना ये अच्छी चीज नहीं। आज आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देने का मांग किया है सर? नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको मैं जानता भी हूँ, चाहे वो मेरी पार्टी नहीं है, जो दूर दूर से किसी बीजेपी से या और किसी उनकी सोच से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, लेकिन कश्मीर में एक आदत बन गई है एक दो पार्टी की, हर पार्टी वाला जो उभरता है उनको लगता है ये जीत जाएगा, तो उसको कैसे मारा जाए, उसको कहो ये ए टीम है बी टीम में, ताकि सिर्फ वही 2-3 पार्टियां रहे यहां जीतने के लिए। तो ये तो पार्टी किसी का हक है, यहां तो जमहूरियत है। इस जमहूरियत में तो किसान को भी मजदूर को भी ए टीम हो बी टीम हो सी टीम हो सबको लड़ने का, लोगों को फैसला करने दो। पार्टी के लीडरों को किसने ये बना दिया हुक्म देने का कि तुम ए टीम हो बी टीम हो, और खुद अपने में नहीं देखते हैं वो खुद कहां से आए हैं। ये मुझे अफसोस होता मैंने तय किया किसी पार्टी के खिलाफ और न किसी लीडर के खिलाफ बोलो, लेकिन मेरा दिल जलता है कि इल्जाम तराशी इस तरह की करते हो, जबकि अंदर अंदर अपने अंदर दुनिया भर की खामियां, लेकिन दूसरों को खामियां निकालते हो। इंसान को सबसे पहले सोचना चाहे मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मैंने क्या कोताहियां की है, मैंने क्या, मुझे कमजोरियां क्या है, मैं गलत काम कौन कर रहा हूं, क्या उस उम्र के हिसाब से कर भी रहा हूं कि नहीं, मुझे करने भी चाहिए कि नहीं, खुद वो करे जा रहे हो और दूसरे को कह रहे हो एक भी एक, तो ये मुझे बहुत अफसोस। और वो 55 साल में नारे, कई लीडर तो उससे पहले 55 साल पैदा भी नहीं हुए थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाने, वो लगाइए आप अंदाजा 55 साल पहले कौन नहीं पैदा हुए थे या 60 साल। मैं SP कॉलेज में यही तकरीरें सुनता था, यू गो नॉन फुल या नॉन फुल इस त्रावन के आशीषमान वोट, यू गो सबज रमाल या त्रावन उन वोट कच शर्ट भर ये गई में सुरमाल तो वस नॉन फुल वस तम आय तौर फिर तुस ना सो नून फुल वे तम आय वे वित नून नून क्या था आय मगर ये लुख प्यारन लोग लीडरों को वो गलत आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए, जो चीज हो सकती है वही बोलो।